एवरी वन वेलकम टू कैम ऑफ्टिमाइज आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल सो इस चैनल में एक नया सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है जो कि है ऑर्गेनोमेटेलिक कम्पाउंड ये ऑर्गेनोमेटलिक कम्पाउंडस इंक्लूडेड है इन द बी एस सी सी बी सी एस सिलेबस ऑफ सिक्स सेमिस्टर सो ऑलरेडी इस सीरीज में तीन वीडियोज अपलोड हो चुका है आप लोगों ने अगर उन वीडियोज को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक दम आउट फ्रॉम द आई बटन एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले रेगुलरली अच्छा नया कॉन्टेंट्स लाने के लिए इस चैनल में आप लोग का सपोर्ट बहुत अहमियत रखता है इस चैनल के लिए और मेरे एफर्ट्स को भी वैल्यू मिलता है सो प्लीज़ कीप ऑन सपोर्टिंग सो लास्ट तीन वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट द बेसिक्स ऑफ organometallic compounds what are organometallic compounds and what are the different types of ligands based on hepticity and the number of electron donation towards the metal carbon bond formation so aaj hum log ek naya topic discuss karne ja rahe hain that is called 18 electron rule और इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने इस चैनल में एक बार रैपिड रिवीजन सीरीज़ में वो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था तो वही वीडियो में फिर से इस सीरीज में यहाँ पे मैं इंक्लूड कर रही हूँ सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू यहाँ पे हम लोगों ने सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो डिस्कस किया है इन डिटेल्स सो स्टे टून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक सो टुडे वी विल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कंपाउंड्स दैट इज द 18 इलेक्ट्रॉन रूल सो so, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्वेश्चंस बहुत कॉमन है इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सो so, उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में जो डिफरेंट लीगेंड्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन क्या होता है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टूअर्ड्स द आर्गेमेटलिक कंपाउंड या फिर टूवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम वो हम लोग को जानना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग ये इम्पॉर्टेंट एक टेबल है वो डिस्कस करेंगे वन बाई वन सो यहाँ पे जो फर्स्ट लिगेंड है दैट इज द कार्बोनिल तो ये कार्बोनिल अगर ऐसे नॉर्मली रहा या फिर ब्रीजिंग म्यूसियो मीनस ब्रिजिंग कार्बोनिल अगर ब्रिजिंग पोजिशन में रहा तो दोनों में ही ये कंट्रीब्यूट करता है टू इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट इज फोस्फिन तो फोस्फिन में अगर अगर तीन एल्काइल ग्रुप रहा या फिर यहाँ पे कोई भी ग्रुप रह सकता है या फिर कोई भी एटम्स रह सकता है सो so, फॉस्फिन जो है वो भी टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन नेक्स्ट इज एम आइन भी टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है नेक्स्ट इज हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन अगर ऐसे नॉर्मली रहे या फिर ब्रीजिंग पोजिशन में भी अगर रहे तो ये वन इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करता है नेक्स्ट इज एल्कीन तो एल्किन अगर हम लोग ऐसे लिखे ईटा टू ईटा मीन्स हेप्टिसिटी एंड हेप्टिसिटी मीन्स द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ द लीग एंड आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूअर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन और व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि ईटा टू है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो डोनर एटम्स अटैच्ड है टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन सो so यहाँ पे दो डोनर एटम है इसलिए हम लोग को टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन मिलेगा नॉर्मली जितना एप्टिसिटी होता है उतना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है नेक्स्ट इज इटा टू एल्काइन तो यहाँ पे भी एप्टिसिटी दो है इसलिए हम लोग को टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन मिलेगा नेक्स्ट इज नाइट्रोसिल दैट इज एनओ एंड इफ इट इज अगर बैंड स्ट्रक्चर रहे तो ये वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करता है अगर ये एनो लीनियर स्ट्रक्चर में रहे तो ये थ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है नेक्स्ट वी हैव एल्काइल ग्रुप अगर ये एल्काइल नॉर्मली अटैच रहे या फिर इन ब्रिजिंग पोजिशन रहे तो दोनों में ही ये वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है नेक्स्ट वी हैव हेलोजन तो हेलोजन नॉर्मली वो वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है नेक्स्ट वी हैव एराइल एराइल मीन्स एरोमेटिक रिंग अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन तो एरोमेटिक रिंग जो है वो भी वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है जस्ट लाइक एल्काइल नाउ वी हैव एसाइल सो एसाइल जो है वो भी वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है नेक्स्ट वी हैव इटावान साइक्लोपेंटा डाइनाइल मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप जो है दिस इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप तो अगर वो वन डोनर एटम से अटैच्ड रहे टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल तो वो वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा अगर वो पाँचों एटम्स से अटैच्ड रहे लाइक दिस टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन तो ये फाइव इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा नेक्स्ट वी हैव ब्रिजिंग हेलोजे तो ब्रिजिंग पोजिशन में हेलोजन थ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है नेक्स्ट वी हैव ईटा वन एलाइल तो यहाँ पे एलाइल जो है दिस इज एलाइल एनायन तो एलाइल एनायन जो है वो टुवर्ड्स मेटल वन इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि यहाँ पे ईटा वन दिया हुआ है अगर ईटा थ्री एलाइल हुआ तो ये जो एलाइल ग्रुप है ये तीनों डोनर एटम से अटैच्ड होगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन तब ये थ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा नाउ वी हैव इटा सिक्स बेंजीन सो बेंजीन जो है वो डोनर एटम से ही अटैच रहेगा टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम और आयन तो यहाँ पे ये सिक्स इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन करेगा सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन लिगेंट्स व्हिच वी एनकाउंटर इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स सो ये सब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करेंगे फॉर डिफरेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स सो व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल बेसिकली सो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जनरली 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड दे गेन दिस 18 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी सो स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है उन लोग का जो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है या फिर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दैट शुड बी 18 इलेक्ट्रॉन और ए मल्टीपल ऑफ 18, जैसे कि 36 इलेक्ट्रॉन 54 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन सो so जब हम लोग को ऐसे नंबर ऑफ टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स सो वी कैन से दिस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आर स्टेबल या फिर इनको अगर 18 इलेक्ट्रॉन एटीन नहीं हुआ तो जनरली वो रिएक्ट करते हैं किसी और कंपाउंड के साथ टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन एंड अल्टीमेटली इनका टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज बिकम्स एटीन इलेक्ट्रॉन सो इन शॉर्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी 18 इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन जनरली तभी जाके वो ऑर्गेनोमेटेलिक कम्पाउंड स्टेबल होता है लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है जो लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट्स है फॉर द ट्रांजिशन मेटल्स वो जनरली एटीन इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते सो पीरियडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में जो सब एलिमेंट्स हैं कुछ एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स का वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते बिकॉज ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक इफेक्ट्स कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो यहाँ पे एक चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोग को जब 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करना पड़ेगा तो हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसलिए ट्रांजिशन मेटल सीरीज का जो सब एलिमेंट्स है उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है फॉर हुई एलिमेंट वो जानना बहुत ज़रूरी है फॉर इवैल्यूएटिंग एक्टिंग इलेक्ट्रॉन रूल सो इसलिए द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज हम लोग को ये जानना पड़ेगा सब एलिमेंट्स के लिए फॉर द ट्रांजिशन सीरीज कि उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है so for chromium we know the valence electron for chromium is six so यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे the total number of electrons valence electrons for this organometallic compound तो यहाँ पे जो central metal atom है वहाँ पे कितना contribution है from the metal itself मतलब metal का valence electron कितना है plus ligand से कितना electronic contribution मिला है वो हम लोग को समाप्त करना पड़ेगा सो so, क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सिक्स और लिगेंस से हम लोग को कितना मिल रहा है वो अभी हम लोग ऐड करेंगे सो वन कार्बोनिल टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है तो यहाँ पे तीन कार्बोनिल हैं तो ये हो जाएगा टू इंटू थ्री प्लस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये साइक्लोपेंटाडाइनल जो है वो ऐसे करके मतलब पूरा रिंग जो है वो लिंक्ड है विद द क्रोमियम सेंटर सो यहाँ पे हेप्टिसिटी जो है वो फाइव होगा पांच डोनर एटम्स यहाँ पे कनेक्टेड है टूअर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द साइक्लोपेंटा डाइनाइ विल बी फाइव सो ये टोटल हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स प्लस फाइव डेट इज़ सेवेंटीन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्रोमियम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है एनदर एग्जाम्पल इज वेनेडियम हैक्सा कार्बोनाइल सो वी नो वेनेडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है फाइव एंड देयर आर सिक्स कार्बोनिल लिगेंड्स तो एक कार्बोनिल लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है दिस इज कार्बोनिल सो छः लिगेंड टू इंटू सिक्स दैट इज ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा टूवल्व प्लस फाइव दैट इज सेवनटीन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी ये जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है वेनेडियम का ये भी एटीन इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है सो दीज आर सम एक्सेप्शंस एन एक्सेप्शन इज दैट सम ऑफ द ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आर स्टेबल इन दियर सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये एक बहुत कॉमन और पॉपुलर कैटलिस्ट है दिस इज कॉल्ड विलकिसन्स कैटलिस्ट सो ये एक रोहडियम का कैटलिस्ट है लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है सो फॉर रोडियम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रोडियम इज नाइन ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं ए पी सी ओ एन आई आर यू आर एच पी डी ओ एस आई आर पी टी ये ध्यान रखने से हम लोग निकाल सकते हैं कि फॉर दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा आयरन के नीचे रूथेनियम और ऑस्मियम है तो आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना है उनका भी सेम होगा कोबाल के नीचे रोडियम और इरिडियम है तो कोबाल का जितना है रोडियम और इरिडियम का भी सेम होगा तो कोबाल का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नाइन इसलिए रोडियम और इरिडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा नाइन सो फॉर रोडियम इट इज़ नाइन प्लस हम लोगों ने देखा है कि फोस्वीन लिगेंट टू इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है तो यहाँ पे तीन फोस्फिन लिगेंड है सो ये हो जाएगा टू इन टू थ्री प्लस यहाँ पे एक हेलोजन है जो वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये हो गया नाइन प्लस वन प्लस सिक्स डेट इज सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बहुत कॉमनली यूज और पॉपुलर कैटलिस्ट है विल्किसन कैटलिस्ट लेकिन ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है सो वी विल फाइंड सम एग्ज़ाम्पल्स वेर जो ऑर्गेनोमेटलिक कम्पाउंडस हैं वो सब सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करके भी स्टेबल होते हैं मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स उनमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन होता है तभी वो स्टेबल होते हैं लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल नाउ सो दिस इज ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स सो ये ऐसा है तो यहाँ पे क्रोमियम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज सिक्स यहाँ पे तीन कार्बोनिल है सो इट विल बी थ्री इंटू टू देट इज सिक्स और उसके बाद नाइट्रोसिल है यहाँ पे दो तो नाइट्रोसिल हमें पता है जब वो बैंड स्ट्रक्चर होता है तो वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जब वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है तब थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हम लोग कंसिडर करेंगे पहले कि बोथ लीनियर मतलब दोनों नाइट्रोसिल जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में है तो ये क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री सो इट विल बी सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स डेट इज़ एटीन इलेक्ट्रॉन अभी अगर हम लोग कंसिडर करें बोथ बैंड स्ट्रक्चर तो ये क्या होगा सिक्स क्रोमियम का प्लस सिक्स तीन कार्बोनिल से प्लस टू इंटू अगर बेंट हुआ तो ये वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स प्लस टू देट इज़ फोर्टीन इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कंसिडर करें कि एक लीनियर है और एक बेंट है वन लीनियर वन बेंट तब क्या होगा क्रोमियम का सिक्स तीन कार्बोनिल से सिक्स एक नाइट्रोसिल का तीन और दूसरे नाइट्रोसिल का एक तो टोटल ये हो जाएगा टेल्व प्लस फोर डेट इज सिक्सटीन तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब बोथ लीनियर कंसिडर करते हैं तो एट्टीन इलेक्ट्रॉन होता है जब बोथ बैंड कंसिडर करते हैं तो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एकदम भी स्टेबल नहीं होगा जब वन लीनियर और वन बैंड कंसिडर करते हैं तो सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन जब एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर पा रहा है तब हम लोग 16 इलेक्ट्रॉन वाला कंसिडर नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर होगा फॉर दिस ऑर्गनोमेटलिक कंपाउंड उसमें बोथ लीनियर होगा बोथ नाइट्रोसिल विल बी लीनियर सो दिस विल बी द टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर दिस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फॉर दिस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो मोलिपडेनम जो है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सिक्स प्लस यहाँ पे जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है वो पांच डोनर एटोम से अटैच्ड है टुवर्ड्स द मोलिपडनम इसलिए यहाँ पे हेप्टेसिटी फाइव होगा सो यहाँ पे विल कंसिडर फाइव उसके बाद एलाइल जो है वो तीन डोनर एटम से अटैच्ड है सो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन होगा थ्री प्लस हम लोग देख रहे हैं कि ये नाइट्रोसिल जो है वो लीनियर है इसलिए ये थ्री कंट्रीब्यूट करेगा और ये नाइट्रोसिल बेंट है सो ये वन कंट्रीब्यूट करेगा तो टोटल तो यहाँ पे हो जाएगा एटीन इलेक्ट्रॉन सो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो है ये एक रूथेनियम का ऑर्गोनमेटली कंपाउंड है तो रूथेनियम का टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आयरन के इक्वल होगा तो आयरन का होता है एट तो इसलिए रूथेनियम का भी होगा एट सो एट प्लस और यहाँ पे दो हेलोजन है सो टू इंटू वन प्लस टू फॉस्फिन है यहाँ पे सो so वन फॉस्फिन टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे हो जाएगा टू इन टू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस ये जो एल्कीन है हम लोग को पता है एल्किन टू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये हो जाएगा टू सो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा सिक्सटीन सो इट इज़ ए सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये आयरन का एक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है तो आयरन का टोटल इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एट प्लस यहाँ पे दो कार्बोनिल है तो ये हो जाएगा टू इन टू प्लस साइक्लोपेंटा इटा फाइव है तो ये हो जाएगा फाइव प्लस एल्काइल ग्रुप है तो हम लोग को पता है एलकाइल ग्रुप वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये हो जाएगा वन सो टोटल तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा एटीन इलेक्ट्रॉन सो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो एक टांगस्टेन का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो टांगस्टेन जो है वो क्रोमियम के नीचे आता है क्रोमियम मोलिपडेनाम टन तो क्रोमियम का टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है सिक्स तो ट्क्टेन का भी है सिक्स सो यहाँ पे टंगस्टन का सिक्स है और ये ईटा फाइव सी फाइव एच फाइव है इसका मतलब ये साइक्लोपेंटा डाइनाइल है जिसका हेप्टेसिटी है फाइव तो ये हो जाएगा फाइव इलेक्ट्रॉन उसके बाद ब्रिजिंग क्लोरीन है तो ये थ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दो कार्बोनिल है सो टू इंटू टू और ये पूरा वाला जो है वो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को बिकॉज ये दो स्फियर एक साथ अटैच है यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है ये टू टाइम्स है सो so, इसलिए इसका जो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ये हो जाएगा सिक्स प्लस फाइव इलेवन प्लस सेवन डेट इज़ एटीन एटीन इंटू टू इट विल बी थर्टी सिक्स इलेक्ट्रॉन सो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इज द मल्टीपल ऑफ एट्टीन सो ये भी एक स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सो so, नेक्स्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एम एम बॉन्ड्स निकालना मतलब मेटल मेटल बॉन्ड्स जो है कोई एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में वो हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं देट इज़ एट्टीन इंटू एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू जहाँ पे एन है नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और एन तो ऐसे करके हम लोग नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स निकाल सकते हैं सो so कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फॉर एग्जांपल फॉर दिस ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड ये नंबर ऑफ़ एम एम बॉन्ड्स मतलब नंबर ऑफ कोबल कोबल बॉन्ड्स कितना होगा दैट विल बी एटीन इंटू नंबर ऑफ कोबल्स यहाँ पे कितना है दो है सो एटीन इंटू टू होगा माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन सो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होगा नाइन इंटू टू क्योंकि कोबाल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइन और ये दो है सो नाइन इंटू टू और कार्बोनिल का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन दो सो so ये हो जाएगा टू इंटू एट डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ से हम लोग अगर हर एक टर्म से टू को कॉमन लेके नीचे भी टू है डिवाइड कर ले तो ये ऊपर का टू और नीचे का टू कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर सिर्फ रहेगा एटीन माइनस नाइन प्लस एट और ये हो जाएगा एटीन माइनस सेवेंटीन मतलब वन तो यहाँ पे हम लोग को इस ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में सिर्फ एक कोबाल कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड देखने को मिलेगा सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है तो यहाँ पे जो मेटल मेटल बॉन्ड्स होगा नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स ये हो जाएगा 18 इंटू यहाँ पे आयरन एटम है और ये तीन है सो so 18 इंटू थ्री होगा माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देट इज़ आयरन का टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एट सो so ये हो जाएगा एट इंटू थ्री प्लस कार्बोनिल यहाँ पे बारह है सो ट्व इंटू टू डिवाइडेड बाय टू तो ये हो जाएगा 54 माइनस 24 प्लस 24 तो ये होगा 54 माइनस 48 डिवाइडेड बाय टू दैट इज सिक्स डिवाइडेड बाय टू दैट इज़ थ्री तो यहाँ पे हम लोग को तीन मेटल मेटल बॉन्ड देखने को मिलेगा सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप का मेटल एटम है सो so यहाँ पे हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ़ एम एम बॉन्ड्स सो so यहाँ पे होगा एटीन इंटू यहाँ पे कोबाल्ट दो है और आयरन दो है तो so टो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन यहाँ पे चार है सो so ये होगा 18 इंटू फोर माइनस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन सो so, कोबाल्ट का बेलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नाइन तो यहाँ पे दो कोबाल्ट है सो टू इंटू नाइन आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एट तो यहाँ पे दो है सो टू इंटू एट प्लस कार्बोनिल टू होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ग्यारह है सो टू इंटू इलेवन प्लस यहाँ पे दिया हुआ है ये फोस्फिन जो है इसका हेप्टेसिटी फोर है और दो ऐसा फोस्फिन है सो so ये हो जाएगा फोर इंटू टू डिवाइडेड बाई ट तो ये होगा एटीन इंटू फोर मीन्स सेवेंटी टू और ये ऐड करने से हम लोग को मिलेगा नाइन इंटू टू एटीन प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी टू प्लस एट डिवाइड बाई टू सो ये होगा सेवेंटी टू माइनस सिक्सटी फोर डिवाइड बाई टू देट इज़ ये हो जाएगा फोर तो यहाँ पे हम लोग को चार मेटल मेटल बॉन्ड देखने को मिलेगा सो so ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं फॉर ऑर्गेनामेटलिक कंपाउंड्स टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है कि नहीं ये बहुत कॉमन एक क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि हम लोग को दिया हुआ रहता है चार ऑप्शन और हम लोग को बोला जाता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है वो ऑप्शन हम लोग को चूज़ करना पड़ता है तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं और हम लोग नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स भी ऐसे करके इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं सो so, इस रेपिड रिविजन सीरीज में इन द कमिंग वीडियोस में कौन सा टॉपिक्स डिस्कस कर सकती हूँ आप लोग भी हम मुझे सजेशन दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन और इस लेक्चर का नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और रेपिड रिविशन सीरीज़ का दूसरा वीडियोस आप लोग इस प्लेलिस्ट लिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं फ्रॉम द आई बटन एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप लोग हमें फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं और आप लोग को अगर इस वीडियो का कॉन्टेंट्स अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एमोंग योर फ्रेंड्स And support this channel. Thank you so much for watching.